राजस्थान बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश की तैयारी सीरीज पार्ट सेकंड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके राइटिंग सेक्शंस को, जिसके अंदर आपका पहला टॉपिक है टास्क, जिसके अंदर भी आपको तीन टॉपिक्स दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, इंसिडेंट एंड प्रोसेस। इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको इम्पोर्टेंट टास्क बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से टास्क को लिख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टास्क को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला बिंदु है कि नियत कार्य टास्क का डिस्क्रिप्शन सामान्यतः एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब आपको जो टास्क होता है वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। दूसरा है कि डिस्क्रिप्शन का आरंभ किसी मुहावरे या कहावत या कथन या प्रश्न पूछकर या तथ्य या आंकड़े आदि से करें, मतलब आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप उसका स्टार्टिंग कैसे करोगे, किसी भी मुहावरे यानी कि इडियम से, या फिर जो कहावत होती है प्रोवर्ब, कथन, कोटेशन, या फिर प्रश्न पूछकर, या फिर तथ्य या आंकड़े से आप इसकी डिस्क्रिप्शन का आरंभ करें। तीसरा है कि डिस्क्रिप्शन को स्थानीय वे वैश्विक समतुल्यताओं वे विषमताओं या रिपोर्ट्स या आंकड़े या उदाहरणों आदि के माध्यम से विकसित करें, मतलब आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप इसको लोकल यानी कि स्थानीय, वैश्विक यानी कि ग्लोबल, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इसके अंदर आंकड़े ऐड करने हैं या फिर उदाहरणों से समझाना है। चौथा है कि डिस्क्रिप्शन का अंत चेतावनी कथन या सुझाव और निष्कर्ष या कहावत आदि द्वारा करें, मतलब आपने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है और अब आप इसकी एंडिंग में आ गए हो तो आप इसका एंड कैसे करोगे, चेतावनी देकर, कुछ भी चेतावनी का कथन देना है या फिर सजेशन देना है या फिर आपको निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूशन या फिर कावत से करेंगे। पांचों पॉइंट है कि टास्क के डिस्क्रिप्शन में सिंपल वे शॉर्ट सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले वाक्य बनाएं, मतलब आपको टास्क के जो भी डिस्क्रिप्शन होते हैं इसमें आपको बिल्कुल सिंपल वे शॉर्ट सेंटेंस बनाना है जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। छठा क्वेश्चन है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाए, मतलब आपने मन में आए जैसे सेंटेंस नहीं बनाने, ग्रामेटिकली और करेक्ट सेंटेंस ही आपको बनाने हैं। सातवां है विचारों थॉट्स में स्पष्टता हो वे संबंधता हो, मतलब आप जो भी टास्क के अंदर लिख रहे हैं उसके अंदर जो विचार आप प्रकट कर रहे हो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, वो वे स्पष्ट यानी कि संबद्धता यानी कि लिंक होने चाहिए। अब आगे हम देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी भी पॉइंट या थॉट का रिपीटेशन नहीं करना है, अर्थात बार बार एक ही बात नहीं लिखनी है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ नहीं आता है तो हम एक दो लाइनें लिखकर वापस उन्हीं एक दो लाइनों को रिपीट करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर पॉइंट नंबर 9 है कि शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना है, मतलब आपको शब्द सीमा होती है उसका ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि 20-30 लाइनों में लिख दिया, इतना बड़ा भी नहीं लिखना है, आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। तो अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, तो इसमें आपको किस तरीके से लिखना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि राइट ए टास्क इन 100-120 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट ऑन एन एजुकेशन टूर बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो, मतलब आपको एक टास्क तैयार करना है 100-100 वर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर आपने एक एजुकेशन टूर हुआ उसका तैयार करना है और कुछ हिंट्स दे रखे हैं, आपको उन हिंट्स की सहायता से तैयार करना है। पहला है एन एजुकेशन टूर, दूसरा जयपुर हवा महल, जंतर मंतर, त्रिपोलिया एंड म्यूजियम, आगरा ताजमहल, चौथा है दिल्ली रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, बिरला मंदिर, गुरुद्वार, पांचवा है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो मतलब ये आपको हिंट्स दे रखे हैं, इन हिंट्स की सहायता से आपको क्या करना है, एक टास्क तैयार करना है। तो इस तरीके से ये टास्क तैयार किया गया है। जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही तैयार करो, लेकिन जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स का ध्यान रखे ही आपको तैयार करना है। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स टिक लगा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स तैयार करना है वो है पहला एन एजुकेशन टूल, ये बहुत सिंपल है और आपको आता भी होगा, बस आप इसकी क्या करना है एक अच्छे से रीडिंग लगा लेना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एन एजुकेशन टूर का आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट तैयार करना है, ये मैं आपको आपकी रिफ्रेशर है उसी से टिक लगवा रहा हूँ, क्योंकि रिफ्रेशर से ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। आप इसकी एक हिंदी पढ़ लेना, फिर आप अच्छे से इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख लेना। फिर दूसरा है जिसके अंदर है रेनी डे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। फिर तीसरा है माई फर्स्ट डे इन स्कूल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि मेरा स्कूल में प्रथम दिन कैसा रहा, मैं स्कूल गया, बच्चे मिले, मेरे को दोस्त बनाए, घंटी बजी, इस तरीके से आपको पूरा तैयार करना है। आप हिंदी याद कर लेना, इंग्लिश आप आसानी से
बना सकते हैं। फिर जो चौथा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर आप पांचवा देखिए, पांचवा है विलेज फेयर का, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ये बहुत सिंपल सिंपल है, आप बस एक बार इनकी रीडिंग लगा लेना। छठा है जिसके अंदर आप एक पिकनिक है, उसको देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है पर आ सकता है। इसके बाद अब हम अगला देखते हैं। अगला जो ये नवा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा है? एन इंडियन वेडिंग, क्योंकि अभी शादी ब्याह का सीजन है तो हो सकता है कि आपके ये आ जाए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, दसवा, एन इम्पोर्टेंट डे इन माय लाइफ, यानी कि माय बर्थडे और माय बर्थडे पार्टी। इसके बाद आपका कैरियर डे, कैरियर डे यानी कि विद्यालय में वृत्ति दिवस आप मनाते ही हो, कैरियर डे किस लिए मनाया जाता है आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, वैसे तो ये आता नहीं है। और ये एनुअल फंक्शन, ये तो बहुत सिंपल होता है, आपके स्कूलों में भी एनुअल फंक्शन होता होगा, तो उसी की सहायता से आपको एक एनुअल फंक्शन पे याद करना है। हिंदी देख लेना, सबके आप हिंदी देख लेना, ज्यादा नहीं हो तो भी। फिर हम आगे देखते हैं, फिर आपको और क्या क्या चीजें, ये वाला भी देख लेना, द इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आ सकता है। और क्या देखना है आपको, ए फेयरवेल पार्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, फेयरवेल पार्टी, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, इंसिडेंट्स। तो इसकी परिभाषा क्या है, एक इंसिडेंट एक घटना होती है जो विशेषता असामान्य या अप्रिय होती है। तो इंसिडेंट की परिभाषा क्या होती है, ये घटना होती है जो कि असामान्य या फिर अप्रिय होती है। तो इसके अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। आप पहला देख लेना ए रोड एक्सीडेंट, इसके बाद आपको देखना है ट्रेन एक्सीडेंट। जो रोड एक्सीडेंट है वही ट्रेन एक्सीडेंट है, बस थोड़ा सा चेंज करके इसको लिखना है। ए हाउस ऑन फायर, ये भी देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और ए बैंक रोबरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार रीडिंग लगा लेना अच्छे से। इसके बाद अब हम और आगे देखते हैं। तो बस यही इंसिडेंट्स है जो आपको याद करने है। फिर थर्ड है प्रोसेस। तो प्रोसेस की क्या परिभाषा होती है, प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ एक्शंस दैट यू डू फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, मतलब किसी विशेष प्रयोजन से की गई क्रियाओं की श्रृंखला ही प्रक्रिया है। तो इसमें ध्यान देने योग्य कौन कौन से बिंदु है, प्रोसेस को आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है। प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन देते समय क्रियाओं की श्रृंखला में क्रमबद्धता होना अनिवार्य, मतलब प्रोसेस होता है वो आपको क्रमबद्ध करना है। तीसरा है प्रोसेस में आवश्यक उपकरणों प्रपत्रों के लिए यूज किए जाने वाले टेक्निकल वर्ड का ही प्रयोग किया जाना इसे प्रभावशाली बनाता है, मतलब आपको टेक्निकल वर्ड का प्रयोग करना है। प्रोसेस के विभिन्न स्टेप्स की जानकारी का सटीक वर्णन इसे प्रभावशाली बनाता है, मतलब आपको स्टेप्स की जानकारी है वो बिल्कुल सटीक देनी है, जिससे आपका प्रोसेस क्या होगा, एकदम अच्छा सा तैयार होगा। तो इसके अंदर आप तीसरा देख लेना, टू ओपन ए बैंक अकाउंट। और आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या देखना है, बस आप उन्हीं को देख लीजिएगा, आप आसानी से तैयार कर लेंगे। टू प्रिपेयर टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बस ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये आपका पूरा फर्स्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट टास्क थे जो सारे बता दिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, इंसिडेंट एंड प्रोसेस, ये भी बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।